भारतीय स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड अदाकारा आथिया शेट्टी पिछले लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रही हैं। दोनों की एक साथ होने की खबरें आए दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में ये खबर सामने आई कि जोड़ा आने वाले 3 महीनों में शादी के बंधन में बंधने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो केएल राहुल और आथिया शेट्टी खुद बेहतर जानती हैं। लेकिन अब केएल राहुल की गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी ने शादी की इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शादी की सच्चाई पर खुलासा किया है। आथिया शेट्टी ने शादी की इन खबरों पर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी साझा करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि 3 महीने में होने वाली इस शादी में मुझे इनवाइट किया जाएगा। इससे पहले खबरों में ये भी बताया गया था कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल दोनों के परिवारों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब आथिया शेट्टी के इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि शायद आथिया फिलहाल के लिए इन बातों पर बात नहीं करना चाहती हैं और शादी का राज राज ही रखना चाहती हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रही हैं। हाल ही में जब केएल राहुल जर्मनी अपनी सर्जरी के लिए गए तो उनके साथ एयरपोर्ट पर आथिया शेट्टी भी दिखाई दी। केएल राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी के साथ जर्मनी के लिए उड़ान भरी। अगर केएल राहुल की बात करें तो फिलहाल बल्लेबाज जर्मनी में हैं और अपना इलाज करवा रही हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेली गई घरेलू T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, इस सीरीज से पहले ही केएल राहुल इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए थे। उसके बाद ये खबर सामने आई कि केएल राहुल लंबे समय के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि केएल राहुल आगामी एशिया कप तक के लिए बाहर हो गए हैं, जिसके लिए उन्हें जर्मनी जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा है। सूत्रों की माने तो केएल राहुल की फिटनेस पर लगातार काम किया जा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द एशिया कप से पहले फिट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केएल राहुल भारतीय टीम का मुख्य हिस्सा है। इस वक्त केएल राहुल भारतीय टीम में स्थायी रूप से उपकप्तान हैं। केएल राहुल की टीम में मौजूदगी भारतीय टीम को काफ़ी मदद देती है। आपको बता दें कि एशिया कप से पहले भारतीय टीम को कई तमाम सीरीज और दौरे करने हैं। अगर एशिया कप से पहले केएल राहुल टीम में वापसी कर लेते हैं तो उनके पास अपनी फॉर्म वापस पाने का भी मौका होगा और बल्लेबाज लय में आ सकेंगे, जिसके चलते टीम इंडिया को एशिया कप में उनके द्वारा रन भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि बल्लेबाज कब तक अपनी फिटनेस पर काम करते हैं और भारतीय टीम में वापसी करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।